ये प्रॉब्लम। ओ भाई अभी वीडियो का थंबनेल और टाइटल चेंज हो जाता। M2 पे गिरी दूसरी बार स्कूटी। ये ले भाई मॉडर्न डे एक्सप्लोसिव डिवाइस। भाई इसको साइड रख दे, ये बम है। तो हल्के में लगा रहा है, ये बंदा उड़ा देता है 10 फुट हवा में। तू सुस्त इतना अच्छा लगता है ना भाई, पूरे मजेदार फील है भाई। कांट वेट टू ड्राइव द कार नाउ। मेरे को बहुत बढ़िया लगे भाई। एक बार यू नो अभी फोल्डेड है मिरर्स, ये देखो कहाँ घुस के सोए हुए थे हैं कोल्ट बाबू। तू सुस्त इतना अच्छा लगता है ना भाई, प्लीज तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सुस्त रहा कर, शांत रहा कर भाई। हमारा कोल्टू बहुत एक्टिव है कोल्ट है। देखो जैसे छोड़ूंगा ना अभी अभी तकने लगेगा, इधर उधर अभी उठेगा। ये देखो अभी शांत नहीं बैठेगा, अब लाइट ऑन करूंगा ना ये देखना सीधा सोफे पे कूदेगा ये। हाँ जी ये देखो मैं चल के जा रहा हूँ, मैं कोई इशारा नहीं करूंगा इसे, कुछ नहीं करूंगा। ये देखो ये इसकी फेवरेट जगह है। हाँ भाई हेलो कर दे, हेलो शेक हैंड, गुड बॉय, अदर हैंड, गुड बॉय। देख रहे हो फिर ट्रेनिंग। ओए ओए शान बैठ भाई, शान बैठ जना, एक बार सोफे की हालत दिखा दे। अच्छा वैसे यार टीम तक यार बहुत टाइम से कोल्ट हमारे व्लॉग में नहीं आया, आप बताओ लास्ट व्लॉग से अभी तक कितना बड़ा हुआ है। हम तो रोज देखते हैं, हमें इतना नहीं पता चलता, पर बहुत लोग कहते हैं हाइट अच्छी खींच ली इसने और तगड़ा भी हो गया है कोल्ट है। बस बस थोड़ा शांत रहा कर भाई, ये देखना भाई ये इसका पहले फेवरेट। शांत 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 शांत, राम राम। चलो आज M2 का सामान आया, देखेगा अनबॉक्सिंग करेगा मेरे साथ। आज M2 का सामान अनबॉक्स करें भाई। आ चुका है सामान हमारी M2 का, रियली लाइट यार, मस्ट बी कार्बन फाइबर। हाँ करेगा अनबॉक्स, ये ले फाड़ दे, सब फाड़ देता ना तो फाड़ दे इसको। एक बार देखना कोल्ट का मोटो है कि एक घर में दो शेर नहीं रह सकते, तो इसने इस शेर की हालत ये कर दी है। देखना एक टांग खा गया इसकी, एक पूंछ खा गया, एक लात खा गया, आगे कान वान भी सब खा गया, मुंह पे देखना क्या कर दिया। और ये सारा भी इसने यहाँ घुस घुस के खाया हुआ है भाई। इसकी जब टीथिंग हो रही थी, अब वैसे अब नहीं खाता कुछ भी। अब ये देखो दीवार के कोने खा गया यहाँ से सारे, ये अपने बर्तन वर्तन सब इसने तोड़ता दिया, दीवार खा गया भाई लिटरली वो देखो। तो पर अब ये थोड़ा सुधर गया, अब ये टीथिंग इसकी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, मतलब 99.9% हो चुकी है। बट जो इसकी टीथिंग हुई है ना हमारे को कितनी भारी पड़ी है, ये देखो बुरा हाल कर दिया इसने लिटरली। जो इसके हाथ लगा मतलब जो इसके मुंह लगा, इसने सारा कुछ तबाह कर दिया। इधर भी बहुत छोटी छोटी चीजें, टेबल के कोने कोने सारे, ये सारी चीजें मतलब बहुत खतरनाक टीथिंग है भाई बिग ब्रीड्स की। बट सिंस हमारे पास पहले से बहुत सारी बिग ब्रीड्स है एंड आई ऑलरेडी हैड एंटिसिपेटेड कि ऐसा होने वाला है एंड मैं रेडी था इस चीज के लिए। प्लस हम अभी नए वाले घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, तो मेरे को पता था कि चलो इस घर में ये जो पुराना फर्नीचर वगैरह इसमें कुछ खावा भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम नए घर में हमारे शिफ्ट होंगे तब तक कोल्ड की टीथिंग भी खत्म हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा तो इसको अक्कल आ जाएगी, तो इसलिए इतनी कोई टेंशन नहीं थी। आज ना बाहर बंद करा हुआ है भाई, जाके डरता हुआ आए, आज तो कुर्ता पजामा है, जुम्मे की मौज ले रहा पूरी। एक कोल्ट को बंद करा है जाके डरता हुआ, तो अब तो खुल जा, बुला रहा है तेरे को, हेलो तो कर दे कपड़े पे। अच्छा कपड़ा गंदे कर देगा, कोई नहीं आजा अनबॉक्सिंग करने लगे, फिर M2 में लगाएंगे भाई सामान। तू व्लॉग मत करने दियो, बोल रहा है पूरी बात कर रहा है। अरे ये सब अनबॉक्स करके सारा सामान खराब कर देगा ये। का डब्बा खोलना है, बंदा नहीं खोलना जो इतना बड़ा चक्कू ले आया है। ओ भाई चलो जल्दी से खोलते हैं, आई कांट वेट। इसमें है भाई हमारे कार्बन फाइबर साइड मिरर्स और उसमें है समथिंग रियली अमेजिंग, उस पे मैं बाद में आऊंगा, बट पहले इसको खोलते हैं। जनक के पास नहीं जाएगा अभी। बाहर चले जाए, गेट बंद कर ले। चल जा जनक, भाग के जा तू जाएगा। गेट तो बंद कर। हाँ तू जाना, मैं बंद कर दूंगा, आएगा तो मैं बंद कर दूंगा। क्या क्या क्या? ओए वापस जा। ओए ओए भाई यार तुमने गंदे कर दिए, कौन? ओए गंदे। वो देख तीर मारी गोली, चल 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 चल। बन गया बेवकूफ। अलमारी की आवाज सुन रही भाग के। उसमें खाना रखा है ना इसकी अलमारी में। सो फाइनली गाइस कार्बन फाइबर साइड मिरर्स फॉर आर M2। लाइट तो बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली काम करते कितनी पैकिंग है, ऑब्वियसली की पैकिंग करनी पड़ेगी नहीं तो स्क्रैच व्रैच पड़ जाएंगे। आई जस्ट होप प्रोडक्ट हमारा सही आया हो, क्योंकि कई बार हम सामान मंगाते हैं और मंगाते कुछ और है और आ कुछ और जाता है। चलो आर यू गाइस रेडी? बहुत क्रेजी लग रहा है गाइस, फुल कार्बन फाइबर और ग्लॉसी फिनिश में, लुकिंग रियली अमेजिंग। दिस इज ड्राई कार्बन फाइबर, बहुत प्यारा है।
looking really beautiful. Can't wait to install this on the car. चलो, but इससे ज़्यादा excited मैं किसी और चीज़ के लिए हूँ. So guys, this is something which I'm really excited about. I really want to put this on my car. And these are billet aluminium paddle shifters for my BMW M2. And these are by Made UK. एक बार बाहर निकालता हूँ मैं इनको. Just look at the finish, guys. Seriously, ये हमारे साथ चेप होने की कोशिश कर रहा है कागज. Guys, seriously, amazing quality and billet aluminium की construction है. बहुत ही sturdy and बहुत ही अच्छी feel है. And the best part, ये सिर्फ आपके जो stock plastic के जो आपके paddle shifters हैं, उनको replace नहीं करते. This has magnetic shift actuation. यानी कि एक बार ही आवाज सुनो. So this gives you such a tactile feedback. आप जब भी shift करोगे, आवाज सुनना. तो दिस इज समथिंग रियली क्रेजी. ये मैग्नेट्स हैं यहाँ पर एंड मैग्नेटिक शिफ्ट एक्चुएशन से क्या होता है, इट गिव्स यू अ रेस कार लाइक फील. जैसे BMW जो देता है वो प्लास्टिक के सड़े से पेडल शिफ्टर्स देता है एंड कोई फील नहीं है उसमें. एंड यू नो वी आर कार गाइज, वी वॉन्ट फील. ठीक है, अब दिस केम आउट रियली रॉन्ग बट इट इज वॉट इट इज भाई. तभी तो इलेक्ट्रिक कार्स को हम पसंद नहीं करते. एंड वी लाइक इंटरनल कम्बशन इंजन्स बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फील. तो इसमें जो फील आती है ना व्हेन यू शिफ्ट द कार, इट इज अमेजिंग. आई विश यू कुड हैव जस्ट हेल्ड दिस एंड जस्ट यू नो हैड अ फील कि एक्चुअली में कैसे फील करते हैं. एंड लव द construction, love the quality, the build quality is absolutely phenomenal. यहाँ पर made का logo है and they currently make it for the F and G generation BMWs and they are starting to make it for other brands also. So make sure you hit their Instagram up. वहाँ पर सारी इन्होंने information डाली हुई है किस किस cars के upcoming pedal shifters आ रहे हैं and trust me this is a must have on your car. So let's replace the shitty plastic pedal shifters in our F87 BMW M2 with these amazing ones. Seriously can't get over this feel man. बहुत अमेजिंग है ये. शैतान बालक छोड़ दे टूल किट, अब मैकेनिक भी बनेगा तू. आजा इधर, आजा आजा. इसको लग रहा है घुमाने लेके जा रहे हैं. तू इसको घुमाने लेके जा रहा है इसलिए घूम रहा है. Guys in our garage और जाकिर ने अभी एक चैलेंज दिया है मेरे को. तो देखो हमारी खड़ी है डिफेंडर यहाँ पे और हमारी जो ड्रिफ्ट कार है हमारी E90 वहाँ खड़ी है और बीच में है इतना गैप. ठीक है, अब जाकिर कहता है भैया आप M2 इस गैप में से नहीं निकाल पाओगे. मैं कहता हूँ मैं निकाल दूंगा. आगे, अच्छा हाँ आगे गोल्डविंग भी है ना भाई. इधर देखो दो पिलर है तो ये टफ है. ठीक है, क्योंकि गाड़ी ना आप देखो ये पिलर्स के बीच में राइट की तरफ को खड़ी है तो उधर गोल्डविंग खड़ी है हमारी एंड इधर दो पिलर्स है. तो टेक्निक तो लगेगी दो तीन बार आगे पीछे करके, पर मैं निकाल दूंगा आज. जाकिर को हम प्रूव करेंगे ना भाई. भाई हम वैसे ही निकाल देंगे अभी. चल भाई जनक होगी साफ, निकाले बार आओ. लेट द चैलेंज बिगिन. हटानी पड़ेगी, शक्तिमान थोड़ी हूँ कि ऐसे उठा के बाहर फेंक दू. चाबी लाए स्कूटी की? चला ऐसे ही कर देते थे. फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भाई. ये ओ भाई अभी वीडियो का थंबनेल और टाइटल चेंज हो जाता. जाकिर ने गिराई M2 पे स्कूटी, M2 पे गिरी दूसरी बार स्कूटी. और कसम से बता रहा हूँ अभी रजत का फोन आया था तभी ये गिरने लगी थी, देख लो. भाई एक बार कमेंट सेक्शन में टीम टक यार आप बता दो आपको क्या लगता है इसमें से गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी. तो गाइस टाइम फॉर अ कोल्ड स्टार्ट. अभी लास्ट टाइम मैं एक चीज आपको बता दूं, लास्ट टाइम आप लोग इस गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट स्टॉक एग्जॉस्ट पर सुन रहे हो क्योंकि हमारा एग्जॉस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है. तो जब वो इंस्टॉल हो जाएगा तो कोल्ड स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेवल. सो लास्ट टाइम भाई स्टॉक एग्जॉस्ट का कोल्ड स्टार्ट सुन लो. निकल गए. निकल गए निकल गए. मैं कहा कुछ कह रहा था, असिन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या भाई? तो गाइस सिंस हमें ये पेडल शिफ्टर्स इंस्टॉल करने के लिए हमारा एयरबैग निकालना पड़ेगा. तो कभी भी आप ऐसा कोई मॉड कर रहे हो जिसमें आपको स्टेयरिंग खोलना है एयरबैग निकालना है तो मेक श्योर आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल निकाल के हटा दो और उस पर कपड़ा रख के मतलब बिल्कुल साइड कर दो क्योंकि इसमें एक छोटा सा एक्सप्लोसिव होता है एंड दिस कैन बी रियली डेंजरस. आप गाड़ी पे काम कर रहे हो तो दिस कैन ब्लास्ट इन योर फेस और एयरबैग आपके मुंह पे खुल सकता है एंड इट इज वेरी डेडली. तो मेक श्योर कभी आप एयरबैग के साथ कोई छेड़खानी कर रहे हो उसको निकाल रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बैटरी की नेगेटिव तार निकाल दो अपनी गाड़ी की. वही हम करने वाले हैं एंड सिंस इट्स अ BMW इसकी बैटरी आगे नहीं इसकी बैटरी पीछे होती है. सो लेट मी
जस्ट ओपन द बूट अप एंड इसकी बैटरी, अब तो हमारा सामान पड़ा है, ये निकालना पड़ेगा हमारे को। सो लेट्स, ये मेरे बच्चे प्यार से आ जा। तो इसकी बैटरी हमारी M2 की होती है इधर, और अब हम इसका नेगेटिव टर्मिनल निकालेंगे एंड उसके बाद अपना इंस्टॉल शुरू करेंगे। इस इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग भाई जनक टूलकिट में टूटा हुआ चम्मच क्या कर रहा, लकड़ का कार्ड बनाया था गिर रहा। अच्छा वो इतने साल पुरानी हो गई टूलकिट की, वो एक ढीला हो जाता ना, इसने लकड़ का चम्मच फंसा दिया। देखिए पूरी टूलकिट ही ना आगे निकल जाए। तो मैं क्या करता, इस इंस्टॉलेशन के लिए हम बाहर आए हुए हैं क्योंकि लाइटिंग अच्छी थी हमारे गैराज में, इतनी अच्छी लाइटिंग है नहीं। तो नए वाले घर के अंदर मैंने ये ध्यान रखा है कि पार्किंग में गैराज में बहुत तगड़ी मैंने लाइटिंग करवाई है, ताकि हम जितनी भी गाड़ी में इंस्टॉल वगैरह करते हैं वही नीचे ही कर पाए, कोई इशू ना हो अपने को। 11 नंबर चलो भाई, आ टर्मिनल इज आउट। तो मेक श्योर जब भी आप भाई बैटरी का टर्मिनल निकालो, आप उसको अच्छे से कपड़े में लपेट के फिर साइड में रखो, ताकि वो कहीं अगर टच वच भी हो जाए तो शॉर्ट ना हो या करंट ना आ जाए इसमें किसी भी तरीके से। हम इसको निकाल के यहाँ साइड में फंसा देते हैं। एंड एक और चीज भाई, सिंस इसकी बैटरी डिक्की में है और बैटरी अब डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो अगर डिक्की बंद हो गई तो कोई तरीका नहीं है इसकी डिक्की खोलने का। तो इसके लिए एक और जुगाड़ है, बता रहा हूँ, कपड़ा जो आपका ये लैच है ना, इसको ढक दो ताकि डिक्की अगर गलती से बंद भी हो जाए तो लॉक ना हो। तो ये जुगाड़ भाई दो तीन बता रहा हूँ, AST के जुगाड़, ये ध्यान में रखना गाड़ी पे काम करते हुए। अब इसके बाद एयर बैग निकालने के लिए गाइज, यहाँ पर आपके स्टेयरिंग में होल है, ये F सीरीज में होल होता है और जो G सीरीज जो BMWs हैं उनके अंदर होल नहीं होता, बट उनके अंदर आप ऐसे पंच करके होल बना सकते हो, जगह दी होती है। तो हम यहाँ एक लैच होता है उसको धक्का देंगे तो हमारा एयर बैग ये बाहर आ गया इस साइड से। सेम हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे और ये हमारा एयर बैग बाहर, और इसके अंदर एक कपलर होगा। मुंह से तो परे ही करके रखूं भाई, डर लगता है एयरबैग के काम में। तो ये पीछे से भाई मेरी उंगलियां इतनी मोटी हैं, आती नहीं जा रहा, हाँ जाके तेरे को निकालना पड़ेगा, मेरे तो उंगलियां ही बहुत मोटी हैं। गाइस मेक श्योर आप M2 पे काम कर रहे हो तो आपकी उंगलियां पतली हो। चल भाई दिखा दे अपनी पतली उंगलियों का माल जाकिर, रुक मैं उससे पेचकस दबाता हूँ, पेचकस दबाता हूँ ना। चल भाई पेचकस से आ गया बाहर, ये ले भाई मॉडर्न डे एक्सप्लोसिव डिवाइस। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, इसको साइड रख दे, ये बम है, हल्के में लगा रहा है, ये बंदा उड़ा देता है 10 फुट हवा में इसको ना, नहीं इसको डिक्की में रख दे। गाइस मैं एक बार पैडल शिफ्टर खोलने से पहले आपको पैडल शिफ्टर की जो फील और जो साउंड है जो प्लास्टिक BMW देती है उसका एक बार सुना देता हूँ, फिर ऑब्वियसली जो मेड वाले हम लगाएंगे उसका तो सुनाएंगे। पास ला भाई जाके, उंगलियां मेरी गंदी है तो इसलिए मैं इस उंगली से पैडल चलाऊंगा, सुनना कोई फील नहीं है, नो फील नो थ्रिल, समझ रहे हो, मतलब इट इज एन M कार यार, 400 BHP प्लस की गाड़ी है, जब थ्रॉटल दो जब आप गियर शिफ्ट मारो तो एक फील आनी चाहिए, वो चीज मिसिंग है बस BMW सब। कोई बात नहीं, वी विल फिक्स दैट। अब जल्दी से T20 स्क्रूज है भाई, ये खोल लेते हैं। सो गाइस नट खुल चुका है, अब भाई इसको संभाल लेते हैं यहाँ पे, एंड नाउ वी विल हैव टू डिस्कनेक्ट द वायर। वायर इन्होंने यहाँ फंसाई हुई है, इसको निकालना पड़ेगा हमारे। गाइस 15 मिनट लग गए इसको निकालने में, पहले उंगलियों से कोशिश कर रहा था, फिर पेचकस की मदद लेनी पड़ी एंड में, बट हमारा जो कनेक्टर है पैडल शिफ्टर का वो निकल गया है, सो नाउ वी कैन डिस्कनेक्ट इट। अच्छा भाई बटन वाला है, चल भाई इतने बारीक काम है भाई, हमारे हाथ इतने मोटे बने ही नहीं बारीक कामों के लिए, इसीलिए डॉक्टर नहीं बना मैं, सर्जन वर्जन कैसे बनता, शरीर के अंदर हाथ ही नहीं घुसता लोगों के, स्टेयरिंग में नहीं घुसरा। आ जा बेटा बाहर आ जा, आ गया भाई। तो ये है BMW का पैडल शिफ्टर विच इज मेड इन प्लास्टिक, एंड पीछे थोड़ा सा इसमें मेटल का फील देने की इन्होंने कोशिश करी है, एंड ये है मेड का बिलेट एल्यूमिनियम का पैडल शिफ्टर which has magnetic shift actuation. So एक बार मैं BMW की आपको आवाज सुनाता हूँ, फील देखना इसकी, नो फील। अब इसकी सुनना तो आप फील देख सकते हो कितनी साउंड और जो फील है बहुत अमेजिंग है, एंड जो मैग्नेटिक शिफ्ट एक्चुएशन है इसकी बहुत अच्छे से वर्क करती है, मतलब दिस इज नथिंग कंपेयर टू दिस, एंड दे आर ऑब्वियसली बिगर इन साइज एंड बेटर इन लुक्स। जैसे इन वाले पेडल शिफ्टर्स में मेरे साथ क्या होता था, जैसे ये ड्रिफ्टिंग के टाइम पर दिक्कत भी आती है, छोटे हैं ये, अब ये वाले लग जाएंगे तो ये बड़े हैं, तो दे विल बी इजियर टू फाइंड ऑल्सो वाइल ड्रिफ्टिंग, तो अगर हमें गियर शिफ्ट करना है ड्रिफ्ट करते हुए तो इट विल बी मोर इजियर फॉर मी नाउ। सो लेट्स गेट दिस इंस्टॉल्ड, और या फिर पहले ये वाला खोल लेते हैं फिर एक ही बार दोनों इंस्टॉल करेंगे। ये ब्लू वाला हिस्सा भाई बहुत इरिटेटिंग इन्होंने दिया हुआ, अंदर फसाया हुआ है लिटरली, कि बंदा खुद पैडल शिफ्टर चेंज करने हो तो कर ही ना पाए, फिर से इस वाली वायर को निकालना पड़ेगा हमें। ये वाला भी बाहर है, बहुत फसाई हुई है तारे, और ये देखियो इधर आ देख, BMW की कलाकारी देख, ये दो तारों में से यहाँ से और एक है इसकी ग्राउंड की जो वायर है, इन दोनों के बीच में से एक कपलर निकाला हुआ, बंदा कपलर को बाहर धक्का कैसे देगा, ये देख बिना तोड़े ना निकल पाए, देख ऐसा करा हुआ है। अब ये वायर भी हटानी पड़ेगी, मुश्किल बना रखा इतने से काम को। जर्मन नए पार्ट्स को हाथ लगाना है तो हाथ साफ होने चाहिए, पहले लेफ्ट वाला लगा देते हैं भाई। गाइस ये दो कलर फिनिशेस में आता है, एक एंथ्रासाइट है वो थोड़ा डार्क है, हमने ये सिल्वर फिनिश में लिया है, थोड़ा सा हमारी गाड़ी के साथ मैच भी कर जाएगा। सो लेट्स इंस्टॉल दिस।
चल आजा बेटा आजा, लाओ भाई एलन की दो। चलो जी टाइटम टाइट BMW से ज्यादा टाइट कर दो। ओए होए होए फील देख यार अमेजिंग। नाउ टाइम फॉर द अदर वन। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि इधर गैप के साथ एक ग्राउंड की केबल दी हुई है इन्होंने, तो उसके साइड से निकालना है। ला दे भाई वो वाला पेच दे जो दिख दिया था ना तुम्हें, निकाल के दे। साइज अलग है, अगर जी सीरीज M2 में लगाना है तो छोटे वाला लगेगा, गोरो में बहुत मोटी है इसकी। वो अलग गाड़ी के लिए ना, ये अलग गाड़ी के लिए, शिफ्टर एक ही लग जाएगा गाड़ी अलग। चलो जी गाइज हमारा दूसरा शिफ्टर भी लग चुका है, लेट मी जस्ट प्लग इट इन। ये ब्लू वायर्स हैं, ये आपने कनेक्ट करनी है। चलो सो गाइज बोथ आर पेडल शिफ्टर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, द फील इज अमेजिंग। एंड एक बार ड्यूरेबिलिटी चेक कर दूं, हिल विल तो नहीं रहे? नहीं, दोनों सेट है, पूरे मजेदार फील है भाई। कांट वेट टू ड्राइव द कार नाउ, जस्ट लिसन टू दिस। सो गाइज टाइम टू प्लग द एयरबैग इन। चलो जी एयरबैग भी आ गया हमारा, इसको प्लेस कर देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। चलो डन, सोचा पेडल शिफ्टर चलने लग जाए और ये सारे बटन्स बंद हो जाए, ऑन बजना बंद हो जाए। नहीं डन, इंस्टॉल इज कंप्लीट गाइस, टाइम टू चेक इट आउट। बैटरी की तार लगा देते बस के लिए ना, वो चाहिए होता है स्क्वीजी होता है ना, तो वो हमारे पास है नहीं। ना नाखून है ना रैप का स्क्वीजी है मेरे, हल्के हल्के तू तोड़ देगा भाई। वैसे पर्पल भी अच्छे लग रहे हैं आज, निकल नहीं रहा ना। पेचकस से कर लेंगे, पेचकस से निशान आ जाएगा, आसपास की गली वाले सोचेंगे साइड मिरर चुराने आए हैं। कोई स्क्वीजी चाहिए होगा, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, हो सकता है इसके बाद हमें पूरे ही साइड मिरर की नए की जरूरत पड़ जाए। आवाज आई निकला तो है, आवाज आई, एक नक्का निकला है। अच्छा। निकला तो वापस बैठ गया, डर लग रहा है ना निकालने में, टूट ना जाए ना। इस वाले से करो, उससे हाथ से तेज मार दो ना, ये तो बहुत छोटा हो गया। अरे ऐसे ही कर दो इसके चार है। PPF चार है। तभी वो रबर का स्क्वीजी होता है ना जिससे फिल्म चढ़ाते हैं, वो सही रहता है इसका। तो गाइज हमने डिसाइड किया है कि अभी हम सात्विक की शॉप पर हॉट रॉड्स पर लेके जाके इसको करवा लेंगे, सिंस हमारे पास कोई प्राई टूल नहीं है। एंड जितने भी हमारे पास टूल्स हैं वो मेटल के हैं, वो इसमें मैं अगर प्राई करने की यहाँ से कोशिश करूंगा तो वो निशान डालेंगे PPF पे और हमारे प्लास्टिक पे। तो हम सात्विक के वहाँ जाके जिससे फिल्म चढ़ाते हैं ना, वो कंघी कहते हैं हिंदी में, उसको इसके बीच में डाल के फिर इसको प्राई कर लेंगे, फिर ये वाले मिरर निकाल के अपने दूसरे लगा लेंगे। बट पहले लगाते हैं बैटरी का कनेक्शन हमारा एंड चेक करते हैं नए पेडल शिफ्टर्स। उसकी भी डिक्की में बैटरी है, पर उसकी बैटरी खोलना ही बहुत बड़ा टास्क था, कह रहा उसमें बहुत मुश्किल था इसमें आसान है। मतलब पोर्श वाले नहीं चाहते तुम बैटरी पे कोई काम करो या कुछ भी काम खुद करो, BMW वाले फिर भी चाहते हैं भाई DIY कर लो कुछ। हाँ डन भाई, बंद कर दो इसमें साइड मिरर वापस डाल दो एंड लेट्स स्टार्ट द कार नाउ। बच्चों ने गंदी बातें लिखी हुई है, हम उनको कैंसिल आउट कर रहे हैं। Say no to gully. तो गाइज ओवर हियर यू कैन सी कि कोई भी एरर कोड नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बस एक एरर कोड आया था क्योंकि हमने बैटरी की वायर हटाई थी, तो डेट एंड टाइम सेट करने का, हमने डेट एंड टाइम सेट कर दिया, वो चला गया है एंड द कार इज परफेक्टली नॉर्मल। एंड नाउ आई विल शो यू कि हमारे पेडल शिफ्टर्स वर्क कर रहे हैं एक्चुअली में। मैं इसको डी में डालूंगा फिर इसको मैनुअल में डालूंगा। अब आप देखो फर्स्ट गियर यहाँ पर दिखा रही है एंड जैसे ही मैं पेडल पुल करूंगा ये देखो टू, अब टू से ज्यादा नहीं जाएगी ये, एंड इधर माइनस करूंगा but the feel is amazing, let's go for a short drive. Abhi third gear mein hum, let's shift to first. Crazy. Burnout marte nahi karte hain. But the feel is amazing guys, seriously. You just have to use them once. Halka sa throttle dete hi ye gaadi ghoomne lagti hai. मैं पहली बार बैठा हूँ इसमें। हाँ यार, हाँ पहली बार बैठा हूँ जब से आई है। क्या बात कर रहा है। हाँ सच में और मजा आ रहा है। आवाज कितनी प्यारी लग रही है, कटक कटक। गाइस द कार इज एट हॉट रॉड्स, हमारा सात्विक भाई मोटा होते जा रहा है।
मैं खुद नहीं जा रहा था जिम, मैं तेरे को क्या लेके जाऊंगा। भाई खोलो इसको, हमारे पास ये नहीं था भाई, ये प्राइ टूल इजिली मिल जाता है, अमेज़न पे मिल जाएगा ये, इससे कंघी से खुलेगा, ये कंघी मांग रहा था मैं उस टाइम, ये मेरे पास होती ना, इससे खोल दे। चलो चल मेरे भाई। थोड़ा साफ कर लेते हैं भाई, सिंस हमने मिरर्स खोल ही लिए थे तो हमने सोचा थोड़ी सफाई भी करा दे अंदर, बहुत ही ज्यादा मिट्टी थी, हिंदुस्तान में रहते हैं भाई मिट्टी बिल्कुल हर जगह घुस जाती है, बट ठीक ठाक साफ हो गया भाई। थोड़ा इस पे मार देना, थोड़ा गीला कपड़ा मार दे तो हो जाएगा यार, मिट्टी जम गई है इसमें। क्या हो गया भाई, नहीं खुला दूसरा? ओके कुछ ऐसी लुक आ रही है, और साथ में कह रहे हैं भैया ऐसी छोड़ दो, रॉ लुक छोड़ दो, तो भाई क्या होते जा रहे तेरे टेस्ट को। पर पूरी भाई सफाई हो चुकी है, मिरर्स पूरे क्लीन है, अब उस पे इंजीनियर की गाड़ी है सब खोल खाल के बोनट उतारता हूँ, सब उतार देता हूँ। क्या लाया भाई, ये वो पहले टाइम पे जो आता था खुशबू सुंघाई उसकी, ये अभी भी आ रहा है। एक वो ब्लैक आइस आता था, वो है अभी भी, वो बड़ी तगड़ी चीज है वो भी। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में ब्लैक आइस रखता हूँ, मेरी डिफेंडर में दो रखे हुए हैं, तेरे से तो लेके गया था ब्लैक आइस, डिफेंडर में डाले थे हमने दो। भाई कार्बन वाले लाओ ना, लगाओ क्या हो गया, पीपीएफ हो गए वो। गाइस हम पहले कार्बन वाले जो हमारे मिरर्स हैं उनको पीपीएफ कर रहे हैं, फिर गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। गाइस फाइनली कार्बन साइड मिरर्स आर ऑन। अब श्रेय लग रहा है कि रूफ कार्बन ही छोड़ देनी चाहिए हमें, नहीं कैसा लग रहा है वैसे? पास है, मेरे को बहुत बढ़िया लगे भाई। एक बार यू नो अभी फोल्डेड है मिरर्स, और सॉरी दूसरी गाड़ी की चाबी आ गई, ये देखो, ये देखो कैसे अपने स्टाफ को डांटता है, ये देखो कितना बेकार आदमी है, क्रूएल्टी। बट भाई ऐसे लगते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया। आज तेरे को शिफ्टर दिखाऊं, चलो बैठो। लगा ली इतने भाई ने खुद ही, एक बार बैठ के चला के तो देख, आप बैठ एक बार, बेस्ट चीज है भाई, फील बहुत नेक्स्ट लेवल है, बैठ के देख। मच्छर घुस जाएंगे वो अलग बात है, शिफ्ट करना है ना पूरी, मजा आ जाएगा। रात में नहीं भगाते हम, क्या बोल रहा है व्लॉग में, ट्रैक पे, ट्रैक पे जब भगा रहे होंगे फील आएगी बहुत अच्छी। खिलाड़ी है ना, वो रात को भी होती है। फील अच्छी है भाई बहुत, हाँ सुंदर भी है, बहुत सुंदर है, बिलेट एल्यूमिनियम है, फील कितनी अच्छी है, और प्लस हमारे यहाँ इतनी गर्मी रहती है एसी से बिल्कुल चाइल्ड हो जाते हैं, मजेदार।